हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ट्रिप चैनल जोग्राफी का आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पिगमीस कॉन्गो बेसन जो ट्राइब रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में और भी काफ़ी सारी ट्राइब्स मैंने डिस्कस की हैं अपने इस चैनल पे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए जहाँ पर आपको बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा डेली बेसिस पे सो लेट स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट ऑफ दिस लेक्चर सो so, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं पिग्मी के बारे में सो so, पिग्मी एक ह्यूमन ग्रुप का ऐसा मेंबर होता है ठीक है जिसमें जिसकी एडल्ट की जो हाइट होती है एडल्ट मेल की जो हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर से नीचे ही रहती है मतलब ये जो पिग्मी होता है पिगमी एक जनरलाइज्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटी हाइट के लोग ठीक है सो दुनिया में और भी बहुत जगह पिगमीज़ पाए जाते हैं बट जो बेस्ट नोन पिगमी ग्रुप्स हैं वो ट्रॉपिकल अफ्रीका मतलब सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं सबसे जो फेमस पिग्मी ग्रुप्स हैं वो इटूरी फॉरेस्ट कॉन्गो जो है वहाँ पर पाए जाते हैं जो कॉन्गो बेसिन है कॉन्गो रिवर है ठीक है उसमें इटूरी फॉरेस्ट है वहाँ पर सबसे फेमस पिग्मी ग्रुप्स देखे जाते हैं और इनके साथ एक और ग्रुप रहता है जिसको लोग बूती बोलते हैं ममबूती बोलते हैं ठीक है थीके? वो और ये पिग्मीज मिला करके ये बहुत ही पुराने इस पूरे एरिया के मतलब बहुत पुराने लोग हैं ये ठीक है बहुत ही पुराना कल्चर है, इनका ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है सो लोकेशन हैबिटेट के बारे में बात करें सो so, जो ये आ, आ, हमारे पिगमीज हैं ये कांगो बेसिन में लाइक करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया और जो ये कांगो बेसिन है ये इक्वेटर के दोनों साइड है मतलब इक्वेटर बीच में जाता है कांगो बेसिन के और नॉर्थ में भी कांगो बेसिन है साउथ में भी कॉन्गो बेसिन है सो so, इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हॉट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है साल भर ठीक है और साल भर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है एनुअल टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है बट हाइएस्ट टेम्परेचर जो है वो तीस डिग्री के ऊपर ही रहता है हर महीने एटलीस्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती ही होती है मतलब यहाँ पर बहुत ही गर्मी और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होती है बिकॉज ये इक्वेटोरियल एरियाज़ में तो यहाँ पर कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल मतलब कितनी गर्मी पड़ती है कि डेली इवेपोरेशन होता है वहाँ के एरियाज़ में और इवेपोरेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन और उसी दिन दो से चार बजे के बीच में रेनफॉल हो जाती है वहीं जगह ठीक है इसको हम लोग फोर ओ क्लाक शावर्स कहते हैं अफ्रीका में बहुत फेमस है सो रेनफॉल इतनी कन्वेक्शनल टाइप होती है बिकॉज रेनफॉल कन्वेक्शनल टाइप है सो so इसका मतलब यहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन ठीक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और इतना ज़्यादा डेंस वेजिटेशन है यहाँ पर कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक जा ही नहीं पाती है सेवरल लेयर्स ऑफ यहाँ पर ट्रीज़ पाए जाते हैं जो सबसे ऊपर वाली कैनोपी होती है वो इतनी डेंस होती है कि वो अलाउ नहीं करती कि सनलाइट नीचे ग्राउंड तक पेनिट्रेट हो सके काफ़ी सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि सिर्फ पेड़ पर पे रहते हैं जिनको हम एरबोरियल एनिमल्स बोलते हैं जो कि सिर्फ पेड़ पर पे रहते हैं बड़े बड़े मैमल्स की बात करो तो एलिफेंट लेपर्ड पिग्स ये सब यहाँ पर अबंडेंट क्वान्टिटी में पाए जाते हैं सो so, जो जो हैं ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं वर्ल्ड में जो कि रहते हैं ठीक है सेंट्रल पार्ट के अफ्रीका में जायरे कॉन्गो गेबॉन कैमरून रवांडा और ब्रंडी इन सारे एरियाज़ में स्कैटर्ड मैनर में ये लोग रहते हैं ठीक है और ज़्यादातर ये लोग जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के में ही पाए जाते हैं जो सब ग्रुप्स हैं तीन डिग्री नॉर्थ और तीन डिग्री साउथ के लेटीट्यूड के बीच में ठीक है इसके बीच में इक्वेटर पड़ जाएगा तो इक्वेटोरियल इक्वेटर एकुट, के दोनों तरफ तीन तीन डिग्री नॉर्थ साउथ के एरियाज़ में ये लोग जनरली कंसनट्रेटेड यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है so सो ये तो हो गई इनकी लोकेशन और हैबिटेट के बारे में सो so इसके बाद अगर हम लोग ग्रेशियल एलिमेंट्स की बात करें सो so जो पिगमीज़ है ये नीगरोड पीपल है मतलब नीगराइड रेस से बिलोंग करते हैं और निगरीटोज भी बोले जाते हैं बिकॉज नीगरोडी माना जाता है नीगरेटो की ही ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जो ट्राइब्स होते हैं सॉरी रेसिस होती हैं दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ओपिनियन में ये जो ट्राइब्स है ये ह्यूमन बींग्स का सबसे क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है एनिमल से ठीक है बात करें इनके रेशियल एलिमेंट्स की तो ये शॉर्ट स्टैचर होते हैं पहले डिस्कस किया छोटी हाइट के होते हैं फ्लैटनेस होती है बुली हेयर होते हैं लॉन्ग हेड है एंड दे आर ब्लैक पीपल आदमियों की एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर होती है जो वुमेन की एवरेज हाइट होती है 140 सेंटीमीटर होती है और जो स्टैचर है पिगमीज का ये वन सेंटीमीटर से वन सेंटीमीटर तक वेरी करता है ठीक सो इसलिए इन लोगों को हम लोग डॉफ भी बोलते हैं एक्चुअली पिगमी वर्ड का मतलब ही ऐसा होता है कि डोर्फ ठीक है जो कि छोटे हाइट का होता है सो कुल मिलाकर के सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पिगमीज़ की होती है कि ये छोटी हाइट के होते हैं और दीज आर ब्लैक पीपल्स विद वोली हेयर्स अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इस पूरे पिगमी ट्राइप की सोसाइटी कल्चर और इकोनॉमी के बारे में सो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बाकी भी अफ्रीकन ट्राइब्स हंटिंग का काम करती हैं जैसे बुशमैन है इनका कल्चर बुशमैन से काफ़ी सिमिलर है ठीक है सो जैसे कि बुशमैन एक हंटिंग ट्रैप है वैसे पिगमीज भी बहुत एफिशिएंट हंटर्स हैं ठीक और स्मॉल ग्रुप्स में लोग रहते हैं कॉन्गो बेसन के फॉरेस्ट में ठीक है सो so, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जितनी भी ट्राइब्स हैं जनरली हंटर्स हैं ठीक है जैसे कि बाकी सारी जनरल ट्राइब जो होती हैं वो हंटिंग का काम करती हैं वैसे ही पिगमीज़ आर आल्सो एफिशिएंट हंटर्स हंटिंग करने के लिए लोग पॉइजन एरो यूज करते हैं जनरली ये लोग बर्ड्स को हंट करते हैं बट और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको हंट करते हैं बट जो बड़े बड़े कार्निवर्स होते हैं जैसे लेपर टाइगर पैंथर बियर्स इन बड़े बड़े जानवरों को बड़े बड़े प्लेस को हंट नहीं करते हैं जनरली जो पिकनीज़ हैं ये फूड गैरर्स हैं मतलब खाना इकट्ठा है करते हैं और हंटर्स हैं ज़्यादातर इनका खाना वेजिटेबल फूड मीट और फिश इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है जनरली इनकी सोसाइटी में मेल्स हंटिंग के लिए जाते हैं और फीमेल्स बाकी कलेक्शन के लिए जाती हैं जैसे बेरीज नट्स पिथ लीव्स शूट्स फ्रूट्स मतलब रूट्स और ट्यूबर्स इन सब को कलेक्ट करने के लिए जाती हैं तो कुल मिला के ये लोग जो उनका फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पर वो लोग रहते हैं वो टोटली फॉरेस्टेड एरिया तो उनका जो खाना है वो टोटली totally फॉरेस्ट पे बेस्ड है या जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है खाना मेनली ये लोग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में खाते हैं और जो खाना बचा हुआ होता है वो बैम्बू जो ग्रीन बैम्बू होता है उसको उसको उसके बैम्बू को कट कर लेते हैं ट्यूब्स में और उसमें रख के गर्म करते हैं कॉन्गो बेसिन में जो कॉन्गो बेसिन का रेन फॉरेस्ट है कुछ सर्टेन सीजन में यहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो भी एबंडेंस हैं बहुत ज़्यादा और इस टाइम पिकमी के जो ग्रुप्स होते हैं वो वापस आते हैं अपनी टेरिटरी में और ये जो एक साथ आकर के ये फ्रूट्स और इन जो, जो 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 होता है इस सीजन में उसको खाते हैं आकर के एक साथ ओके okay. अब उसके बाद जो क्लाइमेट है क्लाइमेट की वजह से इनका काफ़ी सारा इनका जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं या उनके जो रहने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ मैटर करता है बिकॉज क्लाइमेट बहुत गर्म है डैम्प है और ह्यूमिड है इसकी वजह से ये लोग जनरली बिना कपड़ों के रहते हैं दे दे लिव स्टेट इन द स्टेट ऑफ कंप्लीटली नेकेडनेस कुछ नहीं पहनते हैं लोग ठीक है लो, और कपड़े के नाम पे बस एक बार्क स्ट्रिप अपने हिप्स के अलॉन्ग मतलब बहुत वो भी बहुत नाम का होता है उसको लगा लेते हैं ठीक है बस इतना ही बाकी लोग कुछ नहीं पहनते बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन ही ऐसे हैं पिगमीज जनरली लिव इन ग्रुप्स ठीक है और जो बेसिक सोशल यूनिट है उनका फैमिली होता है जो कि जिसमें बीस से ज़्यादा बीस या बीस से ज़्यादा लोग रहते हैं जनरली जो पिगमीज़ होते हैं ये नोमैटिक लाइफ जीते बिकॉज इन सर्च ऑफ़ गेम्स गेम्स मतलब यहाँ पर मास होता है ठीक है रूट्स फ्रूट्स एंड अदर एडिबल वेजिटेबल्स ठीक और इसलिए हम लोग परमानेंट हाउसेज नहीं बनाते ठीक है और ये लोग पत्तियों का या जो ट्रीज से जो प्रोडक्ट्स होते हैं डंडियाँ या डालें हो गई उनको यूज़ करके छोटे छोटे घर बनाते हैं ठीक और उसी में रहते हैं जिनको ये लोग टेम्प्रेरी कैंप्स बोल सकते हैं उनको टेम्प्रेरी कैंप्स में रहते हैं ठीक और ये जो अपनी हट्स बनाते हैं ये अपने जो ट्रीज होते हैं ट्रीज के ब्रांचेस से बनाते हैं ठीक और बिकॉज पेड़ पे बना रहे हैं तो घर बहुत बड़ा नहीं होगा सो so, पेड़ पे जो एक घर बनाते हैं वो बहुत छोटे साइज़ का होता है और एंट्रेंस भी बहुत छोटा होता है उसका अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इनके जो नेबरिंग फार्मर्स होते हैं ठीक जिनको जिनका नाम है बानटूस ठीक इनसे काफ़ी ज़्यादा सिम्बैटिक रिलेशनशिप इन्होंने बना रखा है और इन बानटूस के साथ ये काफ़ी ज़्यादा जो आ, हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो करते हैं ठीक है अब बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स के साथ साथ जो ओकेजनली सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं पिगमीज़ में और बानटूज में उन सब में आपस में लोग मिलते रहते हैं और सबसे खास बात यह है कि जो पिगमीज और जो नेबर फार्मर्स हैं जिनको बानटूस कहते हैं ये दोनों आपस की भाषा नहीं जानते ठीक सो इसकी वजह से लोग साइलेंट ट्रेड को प्रैक्टिस करते हैं ये लोग ट्रेड करते हैं बट कुछ बोलते नहीं है साइलेंट ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अब ये जो पिगमीज़ हैं ये लोग बानटूज के साथ कैसे ट्रेडिंग करते हैं ठीक है सो बेसिकली क्या करते हैं जो पिगमीज होते हैं ये अपने नेबर बानटू जो फार्मर होते हैं उनके घरों के पास जा कर के रात में जो वो मीट लाए होते हैं उसको रैप करके रख देते हैं ठीक है जैसे कोई पिग्मी एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ मीट लाया उसने उसको लीव्स में रैप किया और रात मर रात में जा कर के अपने किसी बंटू फार्मर के घर के बाहर रख दिया और अगले दिन जब वो जाते हैं ठीक है उसी जगह पर जहाँ पर वो रख के हैं तो वो देखते हैं कि वो जो उनका मांस था ठीक है मतलब जो मीट रख के गए थे रैप्ड इन लीव्स वो अपग्रेड में या किसी अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुका है और खास बात यह है कि दोनों पार्टीज़ को पता है कि कौन सी कमोडिटी में इंटरेस्टेड है मतलब पिग्मी को पता होगा क्या चीज़ बानटू को चाहिए तो वो वहाँ वो रख के जाएगा और बानटू को पता होगा कि पिग्मी को क्या चाहिए तो वो उसके बदले वो वहाँ चीज़ रख देगा सो so यही प्रोसीजर है साइलेंट ट्रेड का ठीक है और इससे क्या होता है कि कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है ठीक और जो वैल्यू होती है दोनों प्रोडक्ट्स की ठीक है कि मान लो पिग्मी ने कुछ रखा और उसके बाद में ने जो रखा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो रफली सिमिलर होगी और अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि जो पिग्मी है उसको जो क्वांटिटी एक्सचेंज में मिली है वो उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं है सफिशेंट नहीं है तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देगा लेने से वो वहीं वापस रख देगा और अगले दिन फिर जाएगा तब वो देखेगा कि उसकी उस चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी हुई है ठीक है सो so, ये काफ़ी अच्छा कल्चरल एलिमेंट है जो साइलेंट ट्रेड के लोग प्रैक्टिस करते हैं पिगमीज़ आर द स्लेव्स एंड फॉलोवर्स ऑफ नेचर बहुत ही ज़्यादा ये लोग नेचर से अटैच है ठीक है और ये मान लो एकदम स्लेव्स हैं नेचर के बिकॉज ये ऐसी टफ कंडीशन पे रहते हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो नेचर इनको प्रोवाइड करता है उनको उसी में एडजस्ट करना पड़ता है ठीक है और ये लोग काफ़ी सोशली बाउंड रहते हैं अब जैसे यहाँ पर वायलेंस ज़्यादा देखा नहीं जाता है ठीक है कि एक पिगमी ने दूसरे पिगमी को मार दिया ठीक बट जब भी किसी पिग्मी को ये फील होता है कि उसको किसी ने चीट किया है उसको किसी ने धोखा दिया है तो वो कोशिश करता है मतलब हालांकि ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि ऐसा कुछ चीज़ हो यहाँ पर तो वो ये कोशिश करता है कि जिसने भी उसको ऑफेंड किया जिसने भी उसको परेशान किया नाराज़ किया उसको वो पॉइजन डैरो से मार दे ठीक है बट ये बहुत ही ओकेजनली बहुत ही कम देखा जाता है ठीक है जैसे ही ट्रॉपिकल एरियाज़ की और भी ट्राइब्स हैं वैसे ही पिगमीज़ जो अपना इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हैं और बहुत ही कम डैमेज ये लोग अपने इन्वायरमेंट को दे रहे हैं ठीक है बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्राइब ये होती है ठीक है बिकॉज नेचर से बहुत ही ज़्यादा अटैचड है इनको पता है नेचर की इंपॉर्टेंस ओके जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनके जितना भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो सब फिजिकल इन्वायरमेंट से कंट्रोल होते हैं ठीक हाँ है पिगमीज़ में बर्थ रेट काफ़ी हाई होते हैं काफ़ी मतलब काफ़ी कंसिडरेबली हाई होते हैं और डेथ रेट भी बहुत हाई होते हैं बिकॉज ये ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एपिडेमिक्स ये सब वहाँ पर breaks, वो देखने को मिलते हैं इसकी वजह से ऑटोमेटिकली डेथ रेट काफ़ी कम हो जाता मतलब ज़्यादा हो जाता है जनरली पिगमी की एक ही वाइफ होती है बट पोलिगेमी एग्जिस्ट करती है ठीक और जो पिगमी मैन है ठीक वो ब्राइड प्राइज देता है गर्ल की फैमिली को वाइफ़ को हासिल करने के लिए ठीक है रिलीजन की बात करें अगर तो पिगमीज ये मानते हैं कि एक गॉड जिनका नाम है टोरे उन्होंने पूरा दुनिया क्रिएट किया है एंड ही इज़ अ सुप्रीम गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड और ये जो गॉड है इनके टोरे ये फॉरेस्ट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि हर चीज़ उन्हीं पर डिपेंडेंट है गॉट इट ये पिगमीज़ का मानना है पिगमीज़ जो होते हैं फॉरेस्ट स्पिरिट्स में भी बिलीव करते हैं ठीक है और पिगमीज़ में एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको एफ ई बोलते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जब पिगमी मरता है ठीक है सो उनकी बोरूपी बोरूपी का मतलब जो रिदम है या लाइफ है वो उड़ जाती है बाय अ फ्लाई एक मक्खी या एक कोई उड़ती हुई ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ कीड़ा ठीक है वो उस पर्टिकुलर की लाइफ या रिदम जिसको लोग बोरूपी बोलते हैं उसको लेके जाता है ठीक है वो लोग ये मानते हैं कि जो फ्लाई होगा वो उस आदमी आदमी को या जो मर गया है उसको टोरे के पास लेके जाएगा तो ये इनकी राइट्स ऑफ पैसेजेस हो गई ठीक है सो बिकॉज ये उनकी बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है बहुत ही सिंपल और बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं और बहुत ही पुराने दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल इन द वर्ल्ड बहुत पुराने लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराना इनका कल्चर और सोसाइटी भी एग्जिस्ट करता है ठीक है सो ये हम लोगों ने इनके बारे में बात अब की अब पिगनीज की अभी जो लाइफ है ठीक है आजकल जो लाइफ है या रिसेंट जो लाइफ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं सो so, अगर इन टोटल बात करें जो पिगमीज़ हैं उन, उन उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन हुआ है ठीक काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड है बिकॉज जो उनका होमलैंड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया बाहर के लोग घुसा है ज़बरदस्ती ठीक और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि जो फॉरेस्ट ट्रडिशन हैं उनको हटाया जाए ठीक उसकी वजह से उनके सेटलमेंट्स में ये जो लॉज और रूल्स हैं उनको ज़बरदस्ती लगाया गया है सो कुल मिला करके जितने भी सेंट्रल अफ्रीका में जो लॉज हैं या जो रूल्स हैं उसकी वजह से जो इनका कल्चर है ठीक जो ये फॉरेस्ट पीपल्स हैं इनका कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी से इरोड हो रहा है ठीक है लैंड यूज़ चेंज एनरोचमेंट ऑफ आउटसाइडर्स इन फॉरेस्ट एरिया ठीक है इसकी वजह से जो कल्चरल डायनामिक्स है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है ठीक और यही नहीं कि जो उनकी कस्टम प्रैक्टिस है प्रैक्टिसज हैं जैसे कि हंटिंग और कलेक्शन ऑफ नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया लोकल अथॉरिटीज द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है सो so, कुल cool मिला करके देखें ये बहुत ही प्रिमेटिव ट्राइब है बहुत ही डाउन टू अर ट्रैब है नेचर से अटैच्ड है बट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसीजर्स डेवलपमेंट प्रोसेस अफ्रीका में तो वैसे भी देखा था हम लोगों में भी कैसे इनरोचमेंट और आउटसाइडर्स का जो इन्फ्लक्स होता, होता है उसकी वजह से इन ट्रैब्स को कितना ज़्यादा एफेक्ट होता so, है ठीक सो ये ने डकस किया था पिग के बारे में सो so, पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए साथ ही साथ मैं चैनल पर रोज़ डेली बेसिस पे क्विज़ेज़ ऑर्गेनाइज करता हूँ और इंस्टाग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिए लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे रखें ठीक है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद स्टेट सेफ एंड स्टे हेल्दी